पहली नजर में तुमने उसे पसंद कर लिया और उसने तुम्हें, और इस लव एट फर्स्ट साइट को तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार पहली नजर में तो हमें एंटीक चीजें भी पसंद आ जाती है, पर हम उसे घर में रखते हैं दिखावे के लिए, बस क्योंकि देर रात तक तुम दोनों ढेर सारी बातें करते हो और इसे तुम मोहब्बत समझते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार अकेलेपन के मारे तो दो अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे से बात कर ही लेते हैं। अरे अगर किसी लड़की को देख के वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेती है और किसी लड़के को देख के तुम उसका, और इस क्यूट जेलेसी को तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार परिंदों को पकड़ा जाता है पिंजरों में कैद करने के लिए, उन्हें आज़ाद करने के लिए नहीं, बस क्योंकि अब तुम दोनों एक दूसरे की बातों को समझ पा रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कहते हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि याद रखो, दो भूखे भिखारी भी एक दूसरे की भूख समझ सकते हैं पर मिटा नहीं सकते। अरे अगर तुम एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन हर महीने कर रहे हो और इसे तुम मोहब्बत कहते हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि दास्तान इश्क को बयां करने के लिए साल का कोई नंबर नहीं चाहिए होता। अरे बस क्योंकि तुम उसके इंस्टा स्टोरीज का और वो तुम्हारे स्नैप स्टोरीज का हिस्सा बन चुकी है और इसे तुम मोहब्बत कह रहे हो, तो हो सकता है तुम गलत हो। क्योंकि यार मोहब्बत को फिल्टरों के साथ सेव नहीं किया जाता, उसे बस उसी लम्हे में जिया जाता है। हाँ लेकिन अगर जिस्मों में उलझने से पहले तुम उसकी जुल्फों में उलझना चाहते हो, अगर वो बेखौफ अपना बचपना तुम्हारे सामने जाया कर देती है, अगर उसके कपड़ों के बेपर्दा होने से पहले तुम अपने सारे राज उसके सामने खोल दिए और उसने भी अपने सारे डर का जिक्र तुम्हारे सामने कर दिया है, अगर उसका हर आंसू तुम्हारे ही कमीज पे बहता हो और तुम्हारे मुस्कान की वजह उसकी नादानियाँ ही हो, तो शायद नहीं यार, यही प्यार है। और अगर ये प्यार तुम्हें मिल गया है तो इसे पकड़ लो, जकड़ लो, गले लगा लो और जहाँ मौका मिले बस इसे कहते रहो कि तुम इससे कितना प्यार करते हो। क्योंकि ऐसी मोहब्बत से मुलाकात होने में ज़िंदगी का एक काफ़ी लंबा अरसा बीत जाता है। तेरे गलियों से मेरा गुजरना क्या कम हुआ, सीढ़ियों पे बैठे तेरे आशिक का इंतजार मुकम्मल सा हो गया। पर कुछ सवाल है तुझसे, क्या तेरी पेशानी की शिकंजों को उसके होठ वैसे ही सहला देते हैं जैसे मेरे होठ सहलाया करते थे? क्या उसकी पास आती सांसों की गर्मी तेरी दिल की धड़कन वैसे ही बढ़ा देती है जैसे मेरी सांसें बढ़ाया करती थी? क्या सर्द रातों में तू आज भी कंबल छुपा देती है ताकि लिपटने का एक और बहाना मिल जाए? क्या शबाब के नशे में गुम होके तो उसको अपने सारे राज बता देती और फिर होश में आके वही बातें दोहरा देती है जैसे मेरे सामने दोहराया करती थी? बोलना। क्या तू अपनी जुल्फों को अपने गालों से फिसलने देती है ताकि वो अपनी उंगलियों से उसे पीछे कर सके वैसे ही जैसे मैं किया करता था? क्या वो भी तेरी आंखों में आंखें डाल के शामों को रातें कर देता है जैसे मैं किया करता था? क्या उसे भी दिखा दी वो सारी तस्वीरें जिसमें तू आज भी अपना बचपन खोजती है? क्या उसे भी बता दी वो सारी बातें जो तूने मुझे ये कह के बताई थी कि आज तक किसी को नहीं बताया? बोलना। चल इन सब सवालों का जवाब मत दे, बस एक सवाल का जवाब दे कि क्या तू भूल गई वो रात जब कमरे में सिर्फ हम थे, मैंने तुझे कस के पकड़ा था, तेरे कंधे पे सर झुका के तेरे कान में हल्के से ये कहा था कि कभी छोड़ना मत, और तूने कहा था कभी नहीं? बोलना। एक सुबह बाबा आए, मुझे उठाकर बोले, याया चलो आज मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखाता हूँ। यार अब तक आफ्ताब ने भी अपनी आंखें खोली नहीं थी और मैं खुद रात को कार्टून देखकर देरी से सोया था, तो मैंने वही कहा जो हर बच्चा बोलता। ठीक है बाबा। मैं जैसे ही बाहर गया वहां पे एक नई चमचमाती हुई साइकिल मेरा इंतजार कर रही थी, उसको देख के मेरा नादान सामान उछल कूद करने लगा, पर जैसे ही मेरी नजर पिछले वाले पहिए के ट्रेनिंग व्हील्स की गैर मौजूदगी पे गई, मेरा मन फिर बैठ गया।
जहन में एक डर सा उड़ गया था, पर जिसे बाबा ने भाप लिया था इसलिए उन्होंने कहा बेटा मैं हूं ना। तो उस छोटी सी साइकिल की छोटी सी सीट पर मैंने अपनी छोटी सी तशरीफ जमाई, पेडल पे जोर डाला, पहिए थोड़ा घूमे और साइकिल टकमगाते हुए आगे बढ़ी, जिससे मैं खुश था। पर ना जाने क्यों बाबा पीछे से कहे जा रहे थे कि हैंडल सीधा रखो, अरे ये साइकिल दाई जा रही है, पेडल करना मत छोड़ो, अरे गिर जाओगे। पहले दिन इतनी इतनी कसरत कौन कराता है? पर बाबा ये कसरत मुझे रोज करा रहे थे। फिर एक दिन अचानक मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ दिया। खुशी के मारे मैं बाबा को पीछे मुड़ के ये कहना चाहता था देखो बाबा मैं साइकिल करना सीख गया, पर बाबा बहुत दूर खड़े थे। उन्हें इतना दूर खड़ा देख मैं डरा और मेरी डर की वजह से साइकिल फिर डगमगाई और पहली बार गिरी। मेरी तशरीफ जो सीट पर जमी हुई थी वो जमीन पे आ गिरी थी। बाबा दौड़े दौड़े पीछे से आए, थोड़ा मुस्कुराए, मुझे उठाकर घर ले गए। पर ना जाने क्यों उस दिन से गिरने का एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि जहां मेरी साइकिल ने डगमगाना छोड़ा मैं, और जब तक मेरी नजर फिर रस्ते पे पड़ती मैं खुद रस्ते पे पड़ा होता। तो एक दिन मैंने सोचा कि आज तो इस डर की ऐसी की तैसी करूंगा। तो मैंने अपनी साइकिल को भगाना शुरू किया इतना तेज, बाबा पीछे से चिल्ला रहे थे बेटा तुम बहुत तेज जा रहे हो, थोड़ा धीमे चलाओ, थोड़ा धीमे चलाओ, अरे वो आगे देखो खड्डा है, अरे तुम किसी से टकरा जाओगे। उनकी सारी नसीहत मानो मेरी रफ्तार में कहीं घूम सी हो गई थी। ये जो हवा चल भी नहीं रही थी वो अचानक मुझे चूमना शुरू कर चुकी थी, और इस रफ्तार से मुझे बस मोहब्बत हो ही रही थी कि अचानक मेरा पैर फिसला, पेडल से साइकिल फिसली, मैं घसीटते हुए जमीन पे गिरा और पहली बार आंखों से आंसू और घुटने से लहू बहा, पर असली जख्म मेरे आम को लगा था। बाबा दौड़े दौड़े आए, आज बिना मुस्कुराए मुझे उठाकर घर ले गए और बस इतना कहा कि कल साइकिल मत चलाना। पर अब साइकिल मुझे चलानी थी, क्योंकि कल तक मैं गिर रहा था अपने डर की वजह से, आज जो मैं गिरा था वो अपनी बेवकूफी की वजह से। और एक चीज जो मैं जानता था कि डर से तो भी लड़ा जा सकता है, पर बेवकूफी बेवकूफी को ना सुधारो तो उसको दोहराने की आदत पड़ जाती है। तो अगली सुबह मैं उठा सूरज से पहले, साइकिल को स्टैंड से हटा और मीलों मील तक चला ले गया, एक मोड़ से घुमाकर फिर घर लाया बिना गिरे। इस सुबह बाबा को मैंने उठाया, हंसते हंसते पूरा किस्सा सुना और बस इतना कहा कि बाबा देखो मैं साइकिल चलाना आखिर में सीख गया। बाबा मुस्कुराए और जवाब में कहा कि बेटा तू सिर्फ साइकिल चलाना नहीं, आज तू जिंदगी में चलना भी सीख गया। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हैंडल हमारा ध्यान है, पेडल हमारी मेहनत, ये चलती हुई साइकिल हमारी कामयाबी, जो चल रही है इस रास्ते पे जिसे कहते हैं जिंदगी। उन्होंने मुझे समझाया कि घमंड की रफ्तार में और इंसानी रिश्तों के खड्डों में मैं बार बार गिरूंगा, पर मुझे उठना है, साइकिल को फिर से खड़ा करना है और चलाते जाना है तब तक जब तक मौत की खाई ना आ जाए। स्टोरी है, मुझे मेरी पहली क्रश मिली फिफ्थ स्टैंडर्ड में। मुंबई बहुत फास्ट है तो वो मैं स्कूल में थी नेचुरली, और यार क्योंकि वो फिफ्थ स्टैंडर्ड है तो हमें काफी मासूमियत थी, और जो इनोसेंस वाला प्यार होता है ना वो बहुत सही होता है, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं है। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं क्या चाहता था उस टाइम पे कि मैं उसके बाजू में बैठूं, टीचर मुझे कभी उसके सामने डांटे नहीं, मुर्गा तो बिल्कुल ही ना बना, हम कभी स्कूल ट्रिप पे चले जाए तो मुझे उसके बाजू वाला कमरा चाहिए होता था, क्योंकि जब भी हम लोग कैंपिंग या इसके लिए अनाउंसमेंट होते कि जाना है तो मैं उसके दरवाजे के पास पहुंच जाओ, दरवाजा खटखटा और बस इतना बोलूं चले। और लकीली एक तरफा नहीं था, ये बेस्ट होता है, अपना स्टार्टिंग से ही सेट था लाइफ तो एक तरफा प्यार नहीं था। और हर रिलेशन में है ना आपको एक अपेक्षा होती है अपने पार्टनर से, या एक मोमेंट होता है जो आप सोच के रखते हो कि भाई ये मोमेंट तो हमें क्रिएट करना ही है। तो मैं बहुत फिल्मी आदमी हूँ, मेरा मोमेंट ये था भाई मुझे डांस करना है स्टेज के ऊपर, स्पॉटलाइट चाहिए और स्टेज पे और कोई नहीं चाहिए।
क्योंकि हमने पिक्चर ऐसी देखी है। और यहाँ ये टाइम है जब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई भगवान होता है, क्योंकि हमारा एक एनुअल फंक्शन था और उस टाइम पे मुझे और उसे सिलेक्ट किया गया एज डांसिंग पार्टनर्स। मैं कहा सही है, बहुत सही सेट लाइन। तो हम रिहर्स करते थे, प्रैक्टिस करते थे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथ अंटिल जिस दिन परफॉर्मेंस था उसके एक हफ्ते पहले मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा एक्स वाई जेड रीजंस। और यार मेरा मोमेंट रह गया। और अभी क्योंकि मासूम बच्चे तो ऑलवेज वी गिव फेयरवेल गिफ्ट, क्योंकि वो टाइम पे ऐसी प्रथा होती है बच्चों में, तो सब मेरे लिए तोहफे लाए थे। वो भी एक तोहफा लाई थी, उसने मुझे एक रेड कैप गिफ्ट की थी और वो काफी बड़ी थी मेरे सर के लिए, मतलब बेसिकली बाप की चुरा के लाई थी, मतलब पैसे नहीं खर्च करने थे, बट क्योंकि उसने दी थी तो यार और मासूमियत, तो हमने कहा ये तो संभाल के रखना ही है, कौन रखेगा, माँ को दे दिया, माँ संभाल के रखो। अब फिफ्थ स्टैंडर्ड हो गया, सिक्स हो गया, आई रीच माई 12 के बोर्ड हो गए, अब मैं फाइनली अपना स्ट्रीम चूज कर रहा हूँ एंड आई हैव डिसाइडेड मास मीडिया करना। एक दिन अचानक बिफोर द एडमिशन प्रोसीजर्स वाज स्टार्टिंग मेरे फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट पॉप अप हुई उसकी। इंस्टेंट मोमेंट, भगवान एक्सेप्ट, चैट शुरू। हमने पूछा तुम क्या कर रही हो, मतलब व्हाट इज द फर्दर प्लान, तो उसने कहा मैं बीएमएम कर रही हूँ। भगवान। फिर मैंने पूछा कि चलो और टेस्ट करते इस लक को, तो मैंने उसको पूछा कौन सी कॉलेज में, भलता कॉलेज। मैं भगवान ठीक है। तो मेरा एडमिशन प्रोसीजर था वेनेसडे को, उसका था थर्सडे को, तो हमने डिसाइड किया चलो फ्राइडे को मुलाकात करेंगे। अब मैंने, क्योंकि मैं फिल्मी आदमी हूँ, तो मैंने फुल सेट कर लिया, फ्राइडे को मिलना है, लाल टोपी निकाल के रखेंगे और यही पहन के जाएंगे, तुम्हारी याद ना भी, फुल फिल्मी और सेट अपना। अब बस हम डिसाइड करना बाकी था कि कहाँ मिल रहे। तो मेरा प्रोसीजर हुआ वेनेसडे को, थर्सडे को मैंने उसको मैसेज किया हाय, क्योंकि थोड़ा ईगो होता है वो टाइम, हेलो हेलो नहीं, हाय ऐसा डेस्परेट नहीं दिखना, रिप्लाई नहीं आया। मैंने कहा डेस्परेशन दिखाने का वक्त हो गया। हे, देख रहा अल्फाबेट बढ़े जा रहे हैं अभी, नो रिप्लाई, हेलो। मैंने कहा चलो पॉइंट पे आते, ये हाय हे हेलो तो लग गए हमारे। तो मैंने उसको मैसेज किया कि यार वी आर सपोज टू मीट टुमारो, वेयर आर वी मीटिंग, आई माइट बी बिजी आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि डेस्परेट नहीं दिखना। मैसेज ही नहीं आ रहा। मैंने कहा यार भगवान। तो द डे पास्ड, नो रिप्लाइज। फ्राइडे आया, फ्राइडे को सुबह को एक न्यूज आर्टिकल था कि एक लड़का था जो बारिश के मौसम में बाइक भगाया जा रहा था और अचानक उसकी बाइक स्किड हो गई और वो गिर पड़ा और उसके साथ जो उसकी दोस्त थी वो गुजर गई और फोटोज बंदी का था। मेरा मोमेंट फिर रह गया। और वो लाल टोपी मैंने अभी भी अपने पास संभाल के रखी है, नॉट बिकॉज वो मुझे उसकी याद दिलाता है, ऑफकोर्स दिलाता है, बट What's more important is, वो मुझे ये याद दिलाता है कि जिंदगी आज जीना कितना जरूरी है, कल के लिए नहीं रुकना चाहिए। अगर किसी से प्यार करते हो तो उसका इजहार आज ही कर दो, माँ बाप से अगर कोई बात कल के लिए छुपा के रखिए तो वो आज ही बता दो, दोस्त को अगर कहना ना कि तू मेरा यार है, तू मेरा भाई है, तो आज बताओ। जिंदगी क्या कहें यार, बहुत छोटी है, कल हो ना हो। छत के ऊपर तारों के नीचे मच्छरों के साथ बिना डेंगू के डर के परिवार इकट्ठा सोया करते थे। अब बस बढ़ते बीएचके में घर के बंटवारे होते, इसलिए मुझे डर है कि एक दिन हर जगह सिर्फ शहर हो गया। अरे पहले दोस्त गली में दौड़े दौड़े आते थे, प्लान पूरे मोहल्ले को सुनाते थे, अगर नखरे करते तुम तो तुम्हारे घर में घुसाते थे। अब बस व्हाट्सएप पे फ्लॉप प्लान्स का डिस्कशन होता है, इसलिए मुझे डर है कि एक दिन हर जगह सिर्फ शहर हो गया।
पहले कड़ी धूप में मैदान की धूल मिट्टी में खेला करते थे, हर गली में लिंगोचार और सात पत्थर के महारथी हुआ करते थे। अरे पकड़ा पकड़ी में हम मुकेश भाई की छत से अब्दुल भाई की छत का फासला बस यूं ही तय कर जाया करते थे। अब बस PSP पे मल्टीप्लेयर खेल लेते हैं, इसलिए मुझे डर है कि एक दिन हर जगह सिर शहर हो गया। पहले बिना टिकट के थिएटर में घुस जाया करते थे, एक ही सीट पे कभी कभी हम दो दो करके बैठ जाया करते थे। जब भी हेलन का डांस होता है या फिरोज की एंट्री, तो जेब में खनखनाते हुए सिक्के हम स्क्रीन पे बस यूं ही फेंक दिया करते थे। अब बस होम में बैठ के होम थिएटर पे थिएटर वाला फील ले लिया करते हैं, इसलिए मुझे डर है कि एक दिन हर जगह सिर शहर हो गया। पर सबसे ज़्यादा डर इस बात का है कि अब मेरे यादों के बक्सों में किसी से की गई बातें नहीं, मुलाकातें नहीं, हो गए तो सिर्फ स्क्रीनशॉट्स। इसलिए मुझे डर है कि एक दिन हर जगह सिर्फ शहर हो गया।